बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां इस्कॉन मंदिर को सील कर दिया गया है। जन्माष्टमी से एक दिन पहले इस्कॉन मंदिर को सील किया गया है। आपको बता दें कि कल इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जानी थी, पर आज इस मंदिर को सील कर दिया गया। इस्कॉन मंदिर में 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 पुजारी, 4 ब्रह्मचारी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। 2 संकीर्तन सदस्य, 5 गृहस्थ समेत कई लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। तो कल जन्माष्टमी का त्योहार इस्कॉन में मनाना था, लेकिन इससे पहले ही इस्कॉन मंदिर को सील कर दिया गया है, क्योंकि 22 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। हर बार धूमधाम के साथ इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो मनाया जाता है, पर इस बार कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में मंदिरों में भी रौनक जो है वो नहीं नजर आ रही है। पर जिस तरीके से कोरोना की जो संख्या है, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसका असर जो है वो अब मंदिरों पर भी देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां मथुरा के मंदिर के ही 22 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। इस्कॉन मंदिर में 22 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 पुजारी, 4 ब्रह्मचारी कोरोना पॉजिटिव है, साथ ही 2 संकीर्तन सदस्य और 5 गृहस्थ समेत कई लोग कोरोना पॉजिटिव है। तो पूरे देश भर में जहां भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता था, साथ ही उसकी सबसे अलौकिक लीलाओं से सराबोर इस उत्सव की छटा मथुरा में अलग ही देखने को हर वर्ष मिलती थी, लेकिन इस साल कोरोना का कहर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर ग्रहण लगाता नजर आ रहा है, जिसमें 12 तारीख को भगवान का ये जन्मोत्सव मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मनाया जाएगा। लेकिन इस बार मंदिर में जन्म के उत्सव को मनाने के लिए भगवान होंगे, उनके पुजारी भी होंगे, और यहाँ सिर्फ वो लोग भक्त नहीं आएंगे जो अपने जन्मोत्सव के एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे, कृष्ण जन्मभूमि पर खींचे चले आते थे, पर कई घंटों की लंबी लाइनें लगाकर भी वो इंतजार करते रहते थे, पर दर्शन किए बिना नहीं जाते थे। पर इस बार कोरोना का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। गाइडलाइन जारी की गई है, जो जो मंदिरें खुले हैं, जिनमें जो श्रद्धालु हैं वो जा सकते हैं, उन्हें गाइडलाइन का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना के ग्रहण के कारण इस बार सरकार और जिला प्रशासन ने आम भक्तों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी पर दर्शन और मंदिर पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों में कोरोना के फैलने को रोका जा सके तथा सोशल डिस्टेंसिंग सहित लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन किया जा सके। लेकिन इस निर्देश से जहां मथुरा के अनेक व्यापारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनके अंदर मायूसी देखने को मिल रही है, तो वहीं जन्माष्टमी पर आने वाले भक्तों के सैलाब की को देखकर अपनी दुकानों में साज सज्जा के सामान सहित कान्हा के लिए पोशाक और अनेकों सामान को दुकानों में भर भी चुके हैं। बार जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती थी, जन्मदिन मनाया जाता था बड़े हर्षोल्लास के साथ, और सभी कृष्ण प्रेमी पूरे भारत से आते थे और धूमधाम से मनाया जाता था, तो मायूसी तो बहुत बड़ी है ही, और ये बड़े अफसोस से के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा समय देश के इतिहास में पहली बार आया है। इससे पहले रामनवमी पे इसी तरह मायूसी थी, और इस बार श्री कृष्ण जन्म समय में ही ऐसी मायूसी है। और जो जिलाधिकारी आदि शासन का जो आदेश है उसमें ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह खुली तरह से कभी कहीं कोई जन्माष्टमी नहीं मना सकते। हम लोगों का दिनों दिन नुकसान है, सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं है, बिजली का बिल तक माफ़ नहीं है, बंद दुकानों का बिल आ रहा है बिजली का, क्या करें। जन्माष्टमी को लेकर क्या तैयारी की होगी आपने? कुछ भैया बहुत तैयारी की, आप देख सकते हैं कितना माल भरा हुआ है, सब ठाकुर जी से संबंधित ही सामान है। जन्माष्टमी मेन सीजन है हम लोगों का, और वही पूरा फेल है। लाखों का करोड़ों श्रद्धालु आता था वृंदावन, तो बहुत फायदा का तो कोई वो आप भूल जाइए, कोरोना की वजह से सारा नुकसान हुआ है। वो तो बिहार जी की कृपा थी जो होली मन गई मारी, जन्माष्टमी अक्षय थी, जितने भी त्यौहार निकले सारे फीके जा रहे हैं।